मॉक फ्यूल फॉर चैंपियंस। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। सुल्तानपुर में कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए बवाल काटा। आपको बता दें, ये सभी सोनिया गांधी से होने वाली पूछताछ से नाराज हैं। अमेठी में 9 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण के समापन के मौके पर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया गया। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को बेहतर रिस्पॉन्स टाइम, तत्काल पुलिस सहायता पहुँचाने सहित कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। अमेठी में विकासखंड भादर के राजर्षि रणजय सिंह आसलदेव महाविद्यालय में बच्चों और शिक्षकों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ पौधारोपण किया। इस पौधारोपण कार्यक्रम में आरटीसी के डीआईजी भूपेंद्र सिंह मुख्य अतिथि रहे। अमेठी में अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार पांडे ने जगदीशपुर में पैदल गश्त किया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने जुमा की नमाज के मद्देनजर धर्मगुरुओं, मस्जिदों के इमाम और मौलानाओं से मुलाकात की। अमेठी में जगदीशपुर ब्लॉक क्षेत्र के कठौरा में बनी पानी की टंकी मात्र शो पीस बनकर रह गई है। जानकारी के मुताबिक इस टंकी में आज तक पानी नहीं आया है, जिससे लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। अमेठी में कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें, ये सभी कार्यकर्ता सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने से नाराज हैं। अयोध्या में हरिद्वारी बाजार से लेकर अमावा मंदिर तक सड़क का चौड़ीकरण करना तय किया गया है। इसके लिए प्रशासन ने दुकानें और मकान तोड़ना शुरू कर दिए हैं, जिसकी जद में करीब 300 से 350 दुकान और मकान आए हैं। अयोध्या में भी नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से पूछताछ का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। बहराइच में तेजवापुर ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय शिशुआरा में हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया संस्था ने मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस दौरान बच्चों को सम्मानित करके उनका उत्साह भी बढ़ाया गया। बहराइच में राम जानकी मंदिर परिसर बाबागंज में राष्ट्रवादी संगठन के प्रतिनिधियों ने बैठक की। इस दौरान अवैध नशा कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए जन जागरण अभियान चलाए जाने की बात तय की गई। बहराइच में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने प्रतिसार निरीक्षक विनोद कुमार दुबे को स्टार लगाकर सम्मानित किया। आपको बता दें, विनोद कुमार दुबे का क्षेत्राधिकारी पद पर प्रमोशन हुआ है। गाजीपुर में एसडीएम ने मोहम्मदाबाद ब्लॉक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम ने गैर हाजिर अफसरों और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा है। रामपुर में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने कांवड़ यात्रा के दौरान थाना सिविल लाइन में ड्यूटी में लगे पुलिस बल की ब्रीफिंग की। इस दौरान एसपी ने पुलिस कांवड़ सेवा शिविर कंट्रोल रूम का निरीक्षण करते हुए कांवड़ियों को पेयजल भी बांटा। रामपुर में आर्टिस्ट अफसान खान की बनाई हुई मिशन शक्ति के प्रतीक के रूप में पढ़ती हुई बेटी की लोहे से बनी मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ और मुख्य विकास अधिकारी नंद किशोर कलाल मौजूद रहे। गोरखपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार बलरामपुर पहुंचे। एडीजी जोन ने जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों और थानों का निरीक्षण भी किया। आपको ये खबरें कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए रूबरू हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। मसल मॉक प्योरिटी पोटेंशियल एंड परफेक्शन फ्यूल फॉर चैंपियंस। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।